हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट आई हैं और कुछ सेक्शन उसमें ऐड हुए हैं, इंसर्ट किए गए हैं 2018 की अमेंडमेंट के अंदर, उसी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन इसमें जो ऐड किया गया उसका उस सेक्शन का नंबर है 143A। ये सेक्शन हमारा नया ऐड किया गया। ये सेक्शन बात करता है कंपनसेशन के बारे में। कौन सी कंपनसेशन? इंटरिम कंपनसेशन। कि मान लो किसी व्यक्ति का अगर चेक डिसऑनर हुआ है तो हम उसको कंप्लेनेंट बोलते हैं। वो अपना केस कोर्ट के अंदर फाइल करता है, केस जो है या अपनी कंप्लेंट जो है वो फाइल करता है। उसके बाद जो कोर्ट होता है वो उसके प्री समन एविडेंस करवाता है जो कंप्लेनेंट होता है। उसके बाद जो समन होते हैं वो एक्यूज को भेज दिए जाते हैं कोर्ट की तरफ से। जब एक्यूज कोर्ट में आता है तो वो अपनी बेल वगैरह लेता है और बेल लेने के बाद वो जो हमारा सेक्शन 145 है उसका सब सेक्शन 2 है उसके अंदर वो एक एप्लीकेशन लगाता है कि मैं अपने केस को डिफेंस करना चाहता हूँ। उसके डिफेंस के ग्राउंड आता है और साथ साथ वो कहता है कि मैं कुछ एविडेंस लाना चाहता हूँ। कोर्ट ये सब चीज़ अलाउ कर देता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक एप्लीकेशन लगानी होती है जिसमें आप कोर्ट से ये कहते हो कि भाई जो इंटरिम अमाउंट है 20% तक का वो मुझे इससे दिलाया जाए। यही पावर जो है सेक्शन 143A जो है वो कंप्लेनेंट को देता है। यही सेक्शन हमारा ऐड किया गया। अब ये सेक्शन जो है इसके अंदर टोटल हमारे कितने पॉइंट्स हैं? इसके अंदर टोटल हमारे जो है वो सब सेक्शन 6 तक हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 सब सेक्शन ऐड किए गए हैं। वो सेक्शन में आपको एक एक करके सब सेक्शन जो है समझा देता हूँ जो कि 143A के हैं। सेक्शन सबसे पहले हम देखेंगे 143 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है। सब सेक्शन 1 कहता है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कि 1973 में जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें कुछ भी हो एंड उसके बावजूद भी द कोर्ट में ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 कि जो कोर्ट है वो 138 में उसका जो केस है उसको ट्राई कर रही है, ट्रायल कर रही है, जो चला रही है। मे ऑर्डर द ड्रॉयर। ड्रॉयर कौन होता है? जो आपको चेक देता है, जो एक्यूज्ड है, उसने एक चेक ड्रॉ करा और आपको दिया, उसको कोर्ट कहेगी टू पे इंटरिम कंपनसेशन टू दी कंप्लेनेंट कि कंप्लेनेंट को जो टोटल अमाउंट है चेक का उसको 20% तुम एक इंटरिम कंपनसेशन दीजिए। ये ऑर्डर कोर्ट कर सकती है। इसमें मे वर्ड यूज हुआ है कि 20% तक कर सकती है, मैक्सिमम उससे कम भी कर सकती है, जैसा भी कोर्ट को लगेगा कि आप उसको 20% तक अमाउंट दीजिए। अब इसमें क्या होता है कि इसी में फिर हमारे आगे क्लोज डाल रखे हैं। क्लोज ए जो है सब सेक्शन 1 का वो कहता है अगर समरी ट्रायल है, समरी ट्रायल हो या समन केस हो, वेयर ही प्लेड गिल्टी टू द एक्यूजेशन मेड इन कंप्लेंट एंड, अगर वो कहता है कि मैं प्लेड गिल्टी नहीं करता, मैं अपने अपराध को नहीं मानता, चाहे समन केस हो चाहे ट्रायल केस हो, तब भी उसे पैसे देने पड़ेंगे। इन एनी अदर केस अपन फ्रेमिंग और चार्ज, या कोई और केस है जिसमें चार्ज फ्रेम होते हैं उसमें भी उसको 20% देना पड़ेगा। अब सेक्शन जो है इसका सब सेक्शन 2 जो है वो कहता है कि इंटरिम कंपनसेशन जो है अंडर सब सेक्शन 1 जो हमने ऊपर पढ़ाया कि 20% उसे इंटरिम जो वो देना होता है, मैंने बताया था कि उसे इंटरिम उससे ऊपर बताया कि उसे इंटरिम कंपनसेशन देना है। लेकिन जो सब सेक्शन 2 है वो कहता है कि जो अमाउंट जो हमारा कंपनसेशन है वो 20% से ज़्यादा का नहीं हो सकता, जितना अमाउंट चेक का है, ये सब सेक्शन 2 में बताया गया है। फिर सब सेक्शन 3 कहता है हमारा जो हमारा सेक्शन 143A जो ऐड हुआ है उसका सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि जो इंटरिम कंपनसेशन है शैल बी पेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि 20% इंटरिम कंपनसेशन जो है वो अक्यूज को कंप्लेनेंट को देना है, तो जिस डेट को ऑर्डर हुआ है उसके विद इन 60 डे वो अमाउंट कंप्लेनेंट को मिलना चाहिए अक्यूज के द्वारा। और इसके अंदर क्या है कि इसी के जो सब सेक्शन 1 में कहा गया है विद इन सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज आपको 60 डेज इसके अलावा 30 डेज का टाइम और भी मिल सकता है, वो उससे ज़्यादा नहीं होगा जो कोर्ट डायरेक्ट करेगा। लेकिन वो 30 डेज आपको तब मिलेंगे जब आपको सफिशेंट कॉज दोगे, जो आप कोर्ट को बताओगे, जो ड्रॉयर है जो अक्यूज है वो कोर्ट को बताएगा कि मैं इस कारण से 60 डेज में नहीं दे सकता, तो कोर्ट उसका 30 डेज का टाइम और बढ़ा सकता है अगर उसके रीज़न सही लगता है तो। अब इसी में सब सेक्शन 4 कहता है
इफ ड्रायर ऑफ चेक इज एक्विटेड, मान लो कोर्ट ने उसे 20% कंपनसेशन दिला दिया, किसको, जो कंप्लेनेंट था, जो ड्राई था, जो जिसको पैसे मिलने थे। अब लास्ट में डिसीजन आता है कि जो एक्यूज था वो एक्विट हो गया, मतलब कि उसको बरी कर दिया कोर्ट ने, कि भी तुम्हारे ऊपर जो चेक डिसऑर्डर का केस था वो गलत केस था, तो क्या होगा, तो सबसेक्शन 4 कहता है कि इफ ड्रॉयर ऑफ द चेक इज एक्विटेड, मान लो ड्रॉयर ऑफ चेक को एक्विटेड कर दिया, ड्रॉयर मतलब कौन, एक्यूज जो था, तो कोर्ट शैल डायरेक्ट द कंप्लेनेंट, जो कंप्लेनेंट था जिसने केस किया था, जिसको 20% पैसे एक्यूज से या ड्रॉयर से दिलवाए थे इंटरिम कंपनसेशन के, तो कोर्ट्स को डायरेक्ट करेगा कंप्लेनेंट को टू रीपे द ड्रॉयर, कि जो ड्रॉयर है, जो एक्यूज है, उसको तुम वो पैसा वापस दो, और वापस कैसे मिलना है, अमाउंट ऑफ इंटरिम कंपनसेशन विद इंटरेस्ट, कि साथ में इंटरेस्ट भी दो, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, द बैंक रेट एज पब्लिश्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, कि उसी साल के जो फाइनेंशियल का पैसा होगा उसके हिसाब से वो पैसा उसको इंटरेस्ट का दिलाएगा, और ये उसे विद इन 60 डेज देना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको रीपे करो क्योंकि ये छूट गया, तो उसके 60 डेज में देना होगा। इसके अंदर भी अगर जो कंप्लेनेंट है वो सफिशियंट रीजन देगा तो उसको 30 डेज का पीरियड और बढ़ाया जा सकता है अगर कोर्ट को लगता है तो। अब सबसेक्शन 5 कहता है इसका, जो इंटरिम कंपनसेशन है पेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिकवर्ड एज इफ इट वॉज अंडर सेक्शन 421 ऑफ CRPC 1973, कि मान लो कोर्ट ने एक इंटरिम कंपनसेशन के ऑर्डर करे, अब जो एक्यूज है वो पेमेंट नहीं कर रहा तो कैसे करेंगे, तो हमारा एक CRPC है, CRPC का सब सेक्शन 421 है, वो कहता है कि अगर मान लो जो एक्यूज है वो पेमेंट नहीं कर रहा तो क्या करेंगे उस केस में, तो जो हमारा सेक्शन 421 CRPC का, वो कहता है वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन, कि आप वारंट इशू कर दोगे व्हेन द ऑफेंडर हैज बीन सेंटेंस टू पे ए फाइन, कि मान लो जो ऑफेंडर है, जो एक्यूज्ड है, उसको एक फाइन पे करने के लिए क्या, द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस में टेक एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ द फाइन, एक तरह के जैसे फाइन रिकवर करने के लिए एक्शन लेते हैं, वैसे ही वो कंपनसेशन रिकवर करने के लिए उस एक्यूज पे एक्शन लेगी जैसे किसी ऑफेंडर पर लिया जाता है, और बोथ फॉलोइंग वे, इसका तरीका क्या है, या तो एक वारंट इशू करेगी उसके ऊपर, उसकी अटैचमेंट के लिए, उसकी प्रॉपर्टी हो जो मूवेबल प्रॉपर्टी हो उसको अटैच कर दो, या फिर वारंट इशू करेगी कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है उसके पास, उसको अथोराइज करेगी इस अमाउंट को रियलाइज करने के लिए, जैसे जैसे कि कोई एरियर रियलाइज करने के लिए करती है, कोई बकाया हो किसी पे वो रियलाइज करने के लिए रिकवर के लिए करती है, रेवेन्यू रिकवरी के लिए किसी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, उसी तरह से वो इस केस में भी जो है वो वारंट इशू कर देगी उस व्यक्ति से रिकवर करने के लिए, किससे, एक्यूज से वो पैसा। अब इसी का सबसेक्शन 6 कहता है द अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज अंडर सेक्शन 138, कि जो फाइन लगाया वो 138 में, या फिर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, देखो जो सेक्शन 138 है उसमें तो फाइन लगता है, लेकिन अब कोर्ट चाहते कि भी जो कंप्लेनेंट है उसको भी तो कुछ कंपनसेशन मिले, अगर वो हमारे पास आया है उसका अमाउंट डूब गया, अगर मैं इसको सज़ा दे दूंगी, जो एक्यूज है उसका फाइन लगा दूंगी, तो जो कंप्लेनेंट है बेचारा वो तो लॉस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो CRPC का सेक्शन 357 है वो सामने आता है, उसमें कोर्ट कहता है भी इसको भी कंपनसेशन दिया जाए उस फाइन में से, द अमाउंट ऑफ, तो इसमें लिखा था अमाउंट ऑफ फाइन इम्पोज अंडर सेक्शन 138 और द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन अवार्डेड अंडर सेक्शन 357 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट रिकवर्ड एज इंटरिम कंपनसेशन अंडर दिस सेक्शन, कि मान लो कोर्ट ने कहा ठीक है इसको कंपनसेशन दिया जाए, किसको, जो कंप्लेनेंट है, अब कंप्लेनेंट को कंपनसेशन दिया किसमें, सेक्शन 357 के हिसाब से ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने कि भी इसको भी कंपनसेशन मिले, मतलब कि जो जैसे मान लो चेक का अमाउंट है, कुछ इंटरेस्ट है, कुछ भी जोड़ जाड़ के, जैसे एक अमाउंट बनाया भी मान लो 5 लाख का अमाउंट था, उसने इंटरेस्ट वगैरह जोड़ा कुछ भी जोड़ा, भगवान कोर्ट ने 7 लाख का अमाउंट कर दिया। अब मान लो जो चेक का अमाउंट था, चेक का अमाउंट 5 लाख था, उसमें से आपने 20% पहले ही कंप्लेनेंट को दिला दिया 1 लाख रुपये, तो अब जो कोर्ट ने ऑर्डर करा है आपको कंपनसेशन 7 लाख मिल जाएगा, उसमें से वो 1 लाख रुपये जो आपने पहले दिए थे 20% वो रिड्यूस करके बाकी का अमाउंट जो होता है वो उसको कंप्लेनेंट को दिया जाएगा, मतलब कि 7 लाख में से 1 लाख लेस करके 6 लाख रुपए बाकी का अमाउंट जो एक्यूज्ड है, जो कंप्लेनेंट है उसको
दे दिया जाएगा, ये बात करता है हमारा सेक्शन 143A। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आई होप मैंने कुछ गलतियाँ की होंगी तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है।